सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है दोहाई स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया। और आपको बता दूं, ये दोहाई के स्टेशन के अंदर अभी पेंट किया जा रहा है। और आपको बता दूं, यहाँ पर फ्लोरिंग किया जा रहा है क्योंकि गाटर लॉन्चिंग कर लिया गया है। दोहाई डिपो के लिए जो लाइन जाएगी उस पर अभी गाटर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो गया है, अब फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। तो आपको बता दूं, ये जो जितने भी ये गाटर्स हैं इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है, देख सकते हैं। और इन पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है, बस फ्लोरिंग किया जाना है। बाकी तो ये यहाँ का दोहाई का स्टेशन बिल्कुल कम्प्लीट ही सा होने वाला है। और अभी इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट्स लगाने बाकी रह गए हैं और ओवरहेड वायरिंग भी लगाई जाएगी। और अभी इस पर ट्रैक स्लैब भी नहीं डाले गए हैं। ये जो पार्ट आपको बता दूं कि दोहाई डिपो के लिए जो लाइन जा रही है उस पर अभी ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे। और आपको बता दूं, इस पर पैरा फिटबॉल बनाने का जो काम था वो भी कंप्लीट सही हो गया है। जहाँ जहाँ फ्लोरिंग हो रही है उन पर पैरा फिटबॉल बनाए जाने हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है दोहाई स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। पर ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है पर डे और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हैं। और ये आ जाता है मुरादनगर का स्टेशन, तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है। बाकी तो ये सारे आर्म्स, दोनों साइड के आर्म्स को स्टैंड कर लिया जा चुका है। आपको बता दूं, देख सकते हैं ये अभी दो पिलर बचे हुए हैं जो नीचे के आर्म्स को स्टैंड करना है। ऊपर प्लेटफार्म के तो हो चुके हैं, देख सकते हैं वो सेटरिंग लगा दी चुकी है। और आज हम यहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे मुरादनगर स्टेशन से, और चलेंगे आज हम दोहाई के स्टेशन तक। तो बने रहिए। आपको बता दूं कि मुरादनगर से और दोहाई तक का बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया गया है, सब कुछ बेस पर कंप्लीट कर लिया गया है। और इन पर आप बता दूं, ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे और ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा इन पर। और अभी पैरा फिट बॉल बनाने का काम चल रहा है इस रूट पर, जितना भी ये बायोडक्ट बन गया। ये 5.5 किलोमीटर का पार्ट्स है और इस पर बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिया गया है। ये बायोडक्ट बन के कम्प्लीट हो चुका है। मुरादनगर से दोहाई तक के बीच का सफ़र बिल्कुल बायोडक्ट क्लियर हो चुका है और इस पर पैरा फिट बॉल बनाने का काम चल रहा है अभी तो। और देख सकते हैं अभी ये इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगाए जा रहे हैं, फिर इन पर ओवरहेड वायरिंग लगाई जाएगी। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये सारा नज़ारा है। आपको बता दो दोस्तों मुरादनगर का। अब मुरादनगर से निकलते हुए हम सीधे पहुंचेंगे दोहाई के स्टेशन पर, तो आपको दिखाएंगे चलकर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो और हमें कमेंट करके बताओ ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। और देख सकते हैं ये बीच का डिवाइडर है जो वो बना लिए जा चुके हैं। अब इन पर मिट्टी डाली जाएगी और मिट्टी डालने के बाद में उसको लेबल किया जाएगा, लेबलिंग करके इस पर पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगा दिए जा चुके हैं, देख सकते हैं। अब इन पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, फिर इन पर ओवरहेड वायरिंग लगाई जाएगी। अभी यही काम चल रहा है और इस पर पैरा फिट बॉल बनाने का काम चल रहा है साइड में, फिर इस पर ग्रिल लगाई जाएगी। पैरा फिट बॉल के ऊपर ग्रिल लगाई जाती है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि एक साइड में, दूसरी साइड का आपको बता दूं कि अभी सेफ्टी बोर्ड नहीं हटाए गए हैं, इस साइड के हटा दिए गए हैं। जब हम मुरादनगर से और आपका जाएंगे दोहाई गाजियाबाद स्टेशन के लिए दोस्तों, तो कहीं कहीं सेफ्टी बोर्ड हटा दिए गए हैं, कहीं कहीं अभी बाकी बचे हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें।
ये आ चुका है ईस्टर्न पेरिफेरल, इसको क्रॉस कर रही है RRTS, देख सकते हैं। और आपको बता दिए बायोडक्ट क्लियर, अभी ये बस ये तीन पिलर बचे हुए हैं जहाँ पर ये ब्रिज लगाया गया था, तो लॉन्चर लगा हुआ है, ये तीन चार पिलर बचे हैं भाई, बायोडक्ट इस पर क्लियर हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि दुहाई स्टेशन से लेके और मुरादनगर तक ये बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया जाएगा। और उस साइड की जो लाइन चमक रही है वो दुहाई डिपो के लिए जा रहा है गाइस, देख सकते हैं। जो पैराफिट बॉल बनाने का काम चल रहा है पल्ली साइड में, जो आपको बता दूं जो डिपो के लिए लाइन जा रही है उस पर पैराफिट बॉल बनाने का काम चल रहा है, और इधर भी बनाए जाएंगे। तो यहाँ तक ये स्टार्ट हो जाता है दोहाई का स्टेशन, देख सकते हैं RRTS का स्टेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। सारे काम इस पर कर लिए जा चुके हैं, अभी इस पर जो दोहाई डिपो के लिए लाइन जा रही है उस पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और इस पर फ्लोरिंग किया जाना है। और फ्लोरिंग हो जाने के बाद में इस पर पैराफिट बॉल बनाने का काम किया जाएगा, पैराफिट बॉल बनाने के बाद में इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे के ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, फिर ओवरहेड वायरिंग लगाई जाएगी, फिर इसके बाद में गाइस इन पर ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे, फिर इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो आपको बता दूँ ये बहुत तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है इस पर, क्योंकि आपको बता दूँ दुहाई से लेके और साहिबाबाद के बीच में 2023 के मार्च में इस पर रैपिड रेल चलनी स्टार्ट कर ली जाएगी गाइस, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, देख सकते हैं ये गाटर अभी रखे जा रहे हैं, इस पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और फिर इसके बाद में इन पर फ्लोरिंग किया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर गाइस। तो देख सकते हैं ये स्टेशन का आपको बता दूं कौन कौन से लेबर का तो बना लिया गया जा चुका है, इस पर भी अभी गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पर भी गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और उन पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। और अंदर स्टेशन के दोस्तों इस पर अभी पेंट किया जा रहा है, बस यही काम चल रहा है ये दुहाई के स्टेशन पर। तो आप बता दो कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए KP संत को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगला वीडियो जो आप लोगों के बीच में आने वाला है वो दिखाएंगे मैं आप लोगों को दुहाई डिपो, और दुहाई डिपो में कितना कुछ वर्क चल रहा है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे, और दूसरी रैपिड रेल भी दिखाएंगे, वो सबको भी अभी स्टैंड किया जा रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है, उसके पार्ट्स को उसका भी चेक किया जा रहा है, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों, आते रहते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो चलते चले जा रहे हैं हम आगे गाजियाबाद की साइड में, और अभी मैं आप लोगों को उससे अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी गुलडहर डिपो गुलडहर स्टेशन की वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, वहाँ पर कितना कुछ काम चल रहा है गुलडहर स्टेशन पर, क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से। तो इन्जॉय करो इस वीडियो को, और हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, नीचे है तो कमेंट करो और बताओ KP संत को कि वीडियो कैसे लगा।